मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भिंड जिले की अटेर विधानसभा में राजनीति अब गर्माने लगी है। अटेर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हेमंत कटारी ने 33 फर्जी मतदाताओं की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। प्रत्याशी का कहना है कि ज्ञानपुरा से भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया का पुश्तैनी गांव है और इस गांव के 33 फर्जी मतदाता जो सामने आए हैं वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वहीं आरोप लगाया गया है कि भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया फर्जी मतदाताओं के दम पर बूथ कैप्चरिंग कराते हैं। फिलहाल हेमंत कटारे ने फर्जी मतदाताओं को सूची में जोड़ने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। कैमरा 24 के लिए भिंड जिले से अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट। ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम ज्ञानपुरा गांव में फर्जी रूप से जुड़ा हुआ है और ऐसे लगभग 33 नाम मैंने चिन्हित करके चुनाव आयोग को इस बात की शिकायत करी है कि ऐसे लोग जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनकी कोई भूमि नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, उन लोगों का नाम वहां पर जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये उन बूथों पे जुड़ा हुआ है जिनको बूथ कैप्चरिंग के प्रयास भारतीय जनता द्वारा उपचुनाव में किया गया था और फिर पुनः किया जा रहा है। यह भी बताना चाहूंगा ये जो गांव है यहाँ से जो संभावित प्रत्याशी हैं और जो दो बार मेरे परिवार से चुनाव, एक बार मेरे से, एक बार मेरे पूज्य पिताजी से हारे थे, अरविंद भदौरिया का गांव है और वहां पर ऐसा होना कहीं ना कहीं ये साफ रूप से दर्शाता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की शह पे ही हो रहा है और साथ ही साथ जो बीएलओ है उसकी मिलीभगत और जो बड़े मगरमच्छ अधिकारी हैं जो इस तरीके के फर्जीवाड़ा करते हैं और बाद में किनारा करके छोटे अधिकारियों पे गाज गिरा देते हैं उनकी मिलीभगत से हो रहा है। प्रमाण मैंने साक्षात रूप से चुनाव आयोग को प्रेषित किया है। मैं समझता हूं उसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।